अभी एनटीपीसी लेवल 2 और 3.5 का अब आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है कुछ ही दिनों के अंतर्गत। क्यों वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, और आप लोगों से यहाँ पे खुशी की भी बात भी एक तरह से यहाँ पे, क्योंकि इतने लंबे समय से आप लोग यहाँ पे चलते आ रहे हो CBT 1 CBT 2 और ये आप लोगों का टाइपिंग का, तो इतने लंबे समय के बाद में अब वो इंतजार जल्दी ही यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे। आप भी जानते हो कि 12 अगस्त को क्या हुआ है, 12 अगस्त को रेलवे के द्वारा यहाँ पे आप लोगों की 4 शिफ्ट की यहाँ पे है ना टाइपिंग कंप्लीट कराई गई, 2nd और ये आप लोगों के यहाँ पे 3rd और ये आप लोगों के यहाँ पे 4th, जिसमें से जो 1st शिफ्ट है ना, इस 1st शिफ्ट के साथ में क्या हुआ है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने रीटाइप करने की कोशिश की, पैसेज को रीटाइप करने की कोशिश की, पर वो टेक्निकल रीजन आ गए यहाँ पे, टेक्निकल रीजन की वजह से उनका रीटाइप नहीं हो पाया और तुरंत रेलवे ने यहाँ पे बीच में आके नोटिस निकाल दी आपकी, मैं 1st शिफ्ट को यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, आप लोगों की मैं दोबारा शेड्यूल कर देती हूँ। दोबारा उन्होंने जो शेड्यूल की है 27 अगस्त को शेड्यूल की है और आप लोगों की तो यहाँ पे 3rd और 2nd और 3rd और 4th इनकी तो यहाँ पे आप लोगों की यहाँ पे 12 अगस्त को ही हो गई और इनकी 27 अगस्त को हो गई। अब तो आप लोग सोचो 27 अगस्त को रेलवे यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे 1st शिफ्ट की टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट करा लूँ और आप सभी लोगों का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट दे दूँ, पर आप लोग ये बोलेंगे कि फाइनल रिजल्ट तो तब आएगा ना जब आप लोगों की यहाँ पे जो 4 शिफ्ट हुई है यहाँ पे 1 2 3 4 चारों शिफ्ट का टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे क्या जारी करेगा रेलवे यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की जो हुई है ना उसकी रेस्पॉन्स शीट आएगी, रेस्पॉन्स शीट को आप लोग यहाँ पे ये बोल सकते हो, यहाँ पे ये बोल सकते हो आंसर की, बोल सकते हो आंसर की आएगी और वह आंसर की ये दावा करेगी, यहाँ पे देखो वो आंसर की ये दावा करेगी आपने कितनी स्पीड है, आप क्वालिफाई हो नहीं क्वालिफाई हो, आप डिसक्वालीफाई हो, आपने क्या गुल खिलाया है वहाँ पे टाइपिंग के अंतर्गत, वो सब लोग आप लोगों को ये रेस्पॉन्स शीट बताएगी और रेस्पॉन्स शीट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कभी बात कर लूँगा। और यहाँ पे अब दूसरा जो यहाँ पे आप लोगों का रेस्पॉन्स शीट और आंसर की आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 5 का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुला लिया जाएगा। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे कट ऑफ से डिस्कस करने से पहले मुझे आप लोगों को यहाँ पे बतानी थी, तो ये इंपॉर्टेंट बात आप सब लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करनी थी मुझे। और अब ये जो वीडियो स्टार्ट होने वाला है अब आप लोगों के साथ में यहाँ पे मैं यहाँ पे जोन वाइज यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कट ऑफ का दायरा चल रहा है आप लोगों के साथ में रोजाना हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे लेवल 2, 3, 5 का जो आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है फाइनल उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आज का ये वीडियो अपना 7वां वीडियो है लेवल 2, 3, 5 का और जिसने भी बच्चे ने 1 से लेके 6 वीडियो नहीं देखे इसी चैनल के अंतर्गत है, जो भी यहाँ पे कोई भी RRB रेलवे का स्टूडेंट है वो 1 से लेके 6 तक वीडियो देखेगा तो उसमें से किसी ना किसी आपका यहाँ पे जोन मिल जाएगा। और जो मैं नेक्स्ट जोन आज डिस्कस करने वाला हूँ तो नेक्स्ट जोन में यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो तो मुझे ही नहीं पता क्योंकि मैं रात को यहाँ पे है ना PDF बना देता हूँ और उसके मैं सो जाता हूँ तो अब पता लगता है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे गोरखपुर जोन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि मैंने रात को ये PDF बना के मैं सो गया था। तो आप लोग भी यार कितने मैं आप लोगों के साथ में है ना जो भी मुझे लगता है वो मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ में, तो आप लोगों का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बनता है, वैसे आप लोग यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहे हो तो अब काम की बात करते हैं फालतू बातों को छोड़ते हैं यहाँ पे। तो दरअसल हुआ क्या है आप लोगों को यहाँ पे पता है इसके अंदर से 21 जोन के अंदर से हम जोन वाइज कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं और आज हम क्या करने वाले हैं गोरखपुर डिस्कस करने वाले हैं बिना टाइम बर्बाद किए, कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों को यहाँ पे। और रही बात आप लोगों के यहाँ पे गुवाहाटी का तो अभी आंसर की है वो आंसर की से वो आप चल रहा है ना ऑब्जेक्शन आंसर की चल रहा है उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा फिर उसको टाइपिंग होगी उसकी तो टाइपिंग अलग से होगी। यहाँ पे आप लोगों की यहाँ पे शिफ्ट की तो 1st की तो 27 अगस्त को शेड्यूल कर दी, अब देख लेते हैं एक बार गोरखपुर की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो गोरखपुर जोन के RRB लेवल 2 और 5, 3 की यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं, टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ अलग देखेंगे और नॉन टाइपिंग पोस्ट की अलग कट ऑफ देखेंगे। सबसे पहले गोरखपुर चले जाते हैं, गोरखपुर के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, गोरखपुर के अंतर्गत सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं कि आखिरकार लेवल 3 की कितनी है, लेवल 2 की कितनी है, लेवल 5 की कितनी है, क्या कुछ वैकेंसी एक बार फटाफट देख लेते हैं। और वैकेंसी का नाम तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लेवल 2 के सामने भी लिख रखा है उसके बारे में तो आप यहाँ पे देख लेना। तो पहले यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं, तो लेवल 2 के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने डायरेक्ट खोल रखा था गोरखपुर क्योंकि आप लोगों का टाइम खराब करने करना है। तो आप लोगों का यहाँ पे जो टाइपिंग की पोस्ट है वो यहाँ पे लेवल 5 और लेवल 2 की है, नीचे लेवल 3 की अभी बता दूंगा। ये पूरी की पूरी पोस्ट आप लोग देख पा रहे हो, ये पूरी की पूरी जो पोस्ट देख पा रहे हो आप लोगों का यही है आप लोगों की अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क भी आप लोगों का यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो पोस्ट दिख रहे हैं ना यही आप लोगों की यहाँ पे लेवल 2 की जॉब है। और रही बात आप लोगों की यहाँ पे लेवल 2 की हो गई, अब लेवल 3 की देख लेते हैं। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की ये लेवल 3 की पोस्ट है NER रीजन के अंतर्गत, ये टोटल पोस्ट है आप लोगों की यहाँ पे गोरखपुर के अंतर्गत यहाँ पे 126 पोस्ट है,
326 ऐसे लड़के हैं जो एनटीपी, एनटीपी का मतलब है नॉन टाइपिंग पोस्ट, नॉन टाइपिंग पोस्ट पे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे गोरखपुर के अंतर्गत। और लेवल 5 के अंदर बात करें तो लेवल 5 के अंदर यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोग यहाँ पे देख लेना, तो ये भी लेवल 5 के गुड्स गार्ड्स की, ये भी लेवल 5 की, लेवल 5 की, लेवल 5 की, तो आप लोग देख सकते हो गुड्स गार्ड्स जूनियर, सीनियर और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सारे की सारी आप लोगों के यहाँ पे लेवल 5 की जॉब हो गई। तो ये गोरखपुर की आप लोग यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आप लोग यहाँ पे देख लेना आपकी कैटेगरी क्या है, मुझे क्या पता, आप लोग यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे देख लेना आप लोग नंबर ऑफ वैकेंसी। मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ, तो कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ के बारे में आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे गोरखपुर की कट ऑफ देखने की कोशिश करें, तो कैटेगरीज वाइज आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों के यहाँ पे लेवल 2 में गोरखपुर है, तो गोरखपुर के अंदर जनरल की जो जाने वाली है आप लोगों के यहाँ पे, जनरल की जो जाने वाली है यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों के सामने ही है। तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी लेवल 2 के अंतर्गत यहाँ पे 87 से लेके 90 तक के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, गोरखपुर के अंतर्गत की, क्योंकि ये आप लोगों के यहाँ पे टाइपिंग के बाद में थोड़ी बहुत, टाइपिंग के बाद में थोड़ी बहुत कट ऑफ तो बननी है। तो यहाँ पे एक नोट डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे एक नोट डाल लो छोटा सा, जैसे कॉपी में डालते हो ना नोट, यहाँ पे एक नोट डाल लो। यहाँ पे जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, और -3 बहुत ही रेयर केस में होगा आप लोगों का यहाँ पे। तो ऐसे में आप लोगों का यहाँ पे +2 और +3 ये तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी, पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे +3 तो कभी भी नहीं होगा और -3 यहाँ पे कभी भी नहीं होगा, ज़्यादातर नहीं होगा, पर ये है कि -1 -2 यहाँ पे कट ऑफ के अंदर हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस मैंने अभी भी बताया है ये सारी वीडियो के अंदर का चलेगा, तो आप लोगों को यानी कि जो भी कट ऑफ बताऊँ तो आप समझ लेना ये प्रोसेस हो रही होगी उसमें। अब बात करें यहाँ पे आप लोगों का EWS की, यहाँ पे 85 से लेके 87 तक के बीच में जाने वाली है। OBC की बात करें यहाँ पे आप लोगों का, OBC की बात करें यहाँ पे 83 से लेके 89 तक जाने वाली है। और यहाँ पे आप लोगों का ST की यहाँ पे 80 से लेके 83 तक जाने वाली है। और ST की यहाँ पे आप लोगों को, ST की जो जाने वाली है, ST की जो जाने वाली है यहाँ पे 79 से लेके 82.3 तक जाने वाली है। आप देख लेते हैं लेवल 5 की, और जो ऊपर वाली देगी वो लेवल 2 की कट ऑफ थी। अब लेवल 5 के अंदर आप लोगों के यहाँ पे दो जॉब आ जाती है जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे सुनहरा भविष्य होना है। तो ये दो जॉब है आप लोगों के यहाँ पे SSCTC सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और GGG यानी गुड्स गार्ड, ये दोनों पोस्ट आ जाती है यहाँ पे। तो SSCTC की यहाँ पे कट ऑफ देखने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे जो भी जॉब मिल जाए तो बढ़िया है भाई साहब रेलवे के अंदर। तो जनरल की आप लोगों को यहाँ पे 76 से लेकर 79 तक, और आप लोगों को यहाँ पे EWS की जाने वाली है, आप लोगों के यहाँ पे 73 से 76.9% के बीच में। OBC की जाने वाली है आप लोगों को यहाँ पे, OBC की जो जाने वाली है यहाँ पे 74 से 70.59 के बीच में जाने वाली है। और यहाँ पे SC की जाने वाली है 64 से लेकर 69 तक, और यहाँ पे ST की जाने वाली है 63 से लेके 65 के बीच में। और ये आप लोगों की कट ऑफ हो गई लेवल 5 की, आप लोगों की SCTC सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पे पोस्ट हो गई। अब GG की बात कर लेते हैं, GG मतलब आ गया भाई सब, GG मतलब गुड्स गार्ड देख लेना। तो गुड्स गार्ड्स के अंदर आप लोग यहाँ पे कट ऑफ की क्या रहने वाली है, तो गुड्स गार्ड्स की यहाँ पे लेवल 5 की गुड्स गार्ड, अरे मैं लिख देता हूँ भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पे गुड्स गार्ड्स की यहाँ पे लेवल 5 की बात कर रहे हैं, और GG की बात कर रहे हैं लेवल 5 की यहाँ पे। तो जनरल की जाने वाली है 82 से लेकर 83.7 तक, और यहाँ पे EWS की यहाँ पे 80 से 83 के बीच में। OBC की 79 से लेके 81.8% के बीच में। SC की यहाँ पे 73 से लेकर 75 तक। ST की यहाँ पे 66 से लेकर 68 तक के बीच में जाने वाली है। तो ये आप लोगों की GG गुड्स गार्ड्स के ऊपर लेवल 5 की पोस्ट हो गई। अब देख लेते हैं बिना टाइम खराब किए लेवल 3 की यहाँ पे आप लोगों की कमर्शियल कम टिकट कलर। तो गोरखपुर के अंतर्गत गोरखपुर के अंतर्गत यहाँ पे आप लोगों की 126 वैकेंसी है, 126 बच्चे होंगे ऐसे यहाँ पे जो डबल सी टी सी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पे पोस्ट ले लेंगे, और उनका बेरोजगार का जो टैटू लग रहा है वो हट जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं जनरल की यहाँ पे, तो जनरल की देखते हैं आप लोगों को यहाँ पे 89 से लेकर 92.9 के बीच में जाने वाली है। EWS की यहाँ पे 86 से लेकर 88.8 के बीच में जाने वाली है, 8 यहाँ पे समझना भाई साहब। OBC की यहाँ पे 87 से लेके 89.6 के बीच में जाने वाली है। और यहाँ पे आप लोगों की SC की जाने वाली है 78 से लेकर आप लोगों की 80.8 तक जाने वाली है। ST की जाने वाली है 76 से लेकर आप लोगों की 77.8 तक जाने वाली है। तो ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ बताई है अभी तक आप लोगों को यहाँ पे लेवल 3 की बता दी आप लोगों को, जो कि कमर्शियल कम टिकट कलर के ऊपर गोरखपुर के अंदर 126 वैकेंसी है, और आप लोगों को यहाँ पे मैंने कट ऑफ भी बता दी है।
अब यहाँ पे जो मैंने बता दी आप लोगों को गुड्स गार्ड्स की बता दी और सीनियर कमर्शियल कम्प्लीट करा की, और जो ये पोस्ट है दोनों ये लेवल 5 के अंतर्गत जॉब है, बढ़िया जॉब है, लग जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पे लेवल टू की जो जॉब है यहाँ पे मैंने बता दी, ये कट ऑफ बता दी। तो यहाँ पे लेवल 2, 3, 5 का आज का ये वीडियो गोरखपुर को समाप्त करते हैं, और जो भी बच्चा चाहता है किस जोन के ऊपर कट ऑफ जाता है वो मुझे बताए। आरआरबी अहमदाबाद पर जाता है, आरआरबी इलाहाबाद पर जाता है, अजमेर पर जाता है, बेंगलोर पर जाता है, किस पर जाता है, भोपाल पर जाता है, बिलासपुर पर जाता है, छत्तीसगढ़ पर जाता है, गोरखपुर तो अभी बताई दिए, ये गोरखपुर दिख लेना, तो जम्मू पर जाता है, कोलकाता का भी मैंने बता दिया, मालदा का जाता है, मुंबई का जाता है, मुजफ्फरपुर जाता है, पटना का, रांची, सिकंदराबाद, जो भी, हालांकि सिलीगुड़ी का भी मैंने बता दिया, रांची का बता दिया मैंने, तिरुवनंतपुरम का बता देना। आप किसी कट ऑफ पहले जाइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बता दो अभी की ताकि मैं वीडियो को जल्दी से जल्दी बना दूं। तो ये आप लोगों का रहा आज का ये वीडियो, जो कि मैंने लेवल 2, 3, 5 के ऊपर यहाँ पे गोरखपुर जोन को यहाँ पे कट ऑफ को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये फाइनल वीडियो आज यहाँ पे खत्म कर रहे हैं हम। अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, कौन से जोन के ऊपर चाहिए आप लोगों को कट ऑफ मैं लेके आ जाऊंगा। और हाँ, ये कट ऑफ ऐसे मत समझना, छोटी मोटी कट ऑफ मत समझना, काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की है और मेरी मेहनत को सफलता के अंदर बदलो यार, सपोर्ट करो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़।